गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आई एम प्रशांति चक्रवर्ती योर इकोनॉमिक्स टीचर एंड टुडे आवर टॉपिक इज फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द सप्लाई राइट द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सबसे पहला पॉइंट है इसमें कि प्राइस ऑफ कमोडिटी क्या होनी चाहिए। तो सप्लाई ऑफ द कमोडिटी वेरी मच डिपेंड ऑन इट्स प्राइस। कोई सप्लाई किस पर डिपेंड होती है? उसके प्राइस पर। तो उसकी प्राइस कितनी है, उसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए, ठीक है, इस पर वो डिपेंड करता है। देयर इज डायरेक्ट एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप, क्योंकि ये सीधा डिमांड और सप्लाई आपस में क्या होते हैं, बॉन्डिंग होते हैं, ठीक है। डिमांड और सप्लाई आपस में बॉन्डिंग होते हैं। बॉन्डेड इसलिए होते हैं क्योंकि जितनी आप डिमांड करेंगे उस हिसाब की आपकी सप्लाई भी होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मुझे डिमांड है 10 पीस, ठीक है, और यहाँ पर सप्लाई मुझे हो गई है 9 पीस की, तो क्या ये बॉन्ड बनेगा? नहीं बन पाएगा। ये बॉन्ड इसलिए नहीं बन पाएगा क्योंकि यहाँ पर हमको 10 पीस की डिमांड थी और वहाँ सप्लाई हो गई 9 पीस की। नहीं पर अगर हम लोग 19 पीस की सप्लाई करते हैं और डिमांड 10 पीस की हो तो भी बॉन्ड नहीं बन सकेगा, क्योंकि ये बॉन्ड ज़्यादा है। और अगर हम लोग कम कर देते हैं तो कम। तो ये कॉमोडिटी किस पर जीवित है, लिविंग करती है किस पर, उनके रिलेशंस पे, कि किस तरह का ये आपस में कॉमोडिटी को बनाते हैं, डिमांड और सप्लाई की कॉमोडिटी, ठीक है। द प्राइस इज रिलेटेड कॉमोडिटी। अब कॉमोडिटी किससे रिलेटेड है? प्राइस से, क्योंकि प्राइस जितना अच्छा होगा, मान लीजिए आप एक अच्छे कंपनी का फोन सेल फोन ले रहे हैं, आपको आपने ले लिया इंटेक्स का फोन आपको मिल गया 4,000 रुपये, तो वहीं पर आपने ले लिया सैमसंग का फोन, वहां पर आपको मिल गया, आपने ले लिया इसको 14,000 रुपये, ठीक है। मान लीजिए फोन तो दोनों ही है, लेकिन दोनों की कंपनी अलग क्यों है? कभी आप ये जानकर समझ पाएंगे कि जो इंटेक्स की कंपनी है वो सैमसंग से सॉफ्टवेयर के मामले में या कैमरे के मामले में वीक हो जाती है, ठीक है। तो आप किस पर प्रेफरेंस करेंगे? सैमसंग को, क्योंकि प्राइस आपकी कॉमोडिटी को डिसाइड करता है कि आपकी कॉमोडिटी किस तरह की होनी चाहिए। जिस तरह की आपकी कॉमोडिटी, आपको वस्तु पसंद है, आप उससे प्राइस को देखते हैं। ज़्यादा अच्छा प्राइस मतलब ज़्यादा अच्छा फोन। यही कॉन्फिगरेशन अगर मान लीजिए जो इन दोनों फोनों को मिल रहा है, वहीं अगर आपको आईफोन देता $90,000 में, तो भी आप क्या करते, आईफोन को सेलेक्ट कर लेते, क्योंकि हर चीज की कॉमोडिटी क्या है, उसके प्राइस पर डिपेंड कर रही है, ठीक है, कि उसकी प्राइस किस तरह की। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, द सप्लाई द प्राइस ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर क्या करता है, उसके प्राइस को, प्रोडक्शन को बनाता है। अगर महंगी चीजें लेंगे आप, 2,500 की प्यूमा की शूज ले लीजिए, ठीक है, और 500 रुपए की कोई भी लोकल कंपनी की ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए गोल्ड स्टार ले लीजिए, ठीक है। तो गोल्ड स्टार और प्यूमा में आपको प्यूमा रिलेटेड रहता है प्राइस को, लेकिन प्राइस इसलिए क्योंकि प्रोडक्शन इसलिए डिपेंड है। प्यूमा की प्रोडक्शन इनके प्रोडक्शन से कम होती होगी, क्यों? क्योंकि लोग इसके प्राइस से एक बार हमारे लीजिए आप परचेस करते हैं प्यूमा, तो 2 दिन में तो उसको आप यूज करके उसको वेस्ट नहीं करेंगे, उसको लॉन्ग ड्यूरेशन का चलाएगा। प्यूमा कंपनी को ये पता है, इसलिए वो क्या करती है, कम से कम एडिशन में अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट लॉन्च करती है। और गोल्ड स्टार क्या है, कंटिन्यू करेगा, क्योंकि जो आपको 2,500 रुपये में मिल रही क्वालिटी वो 500 से 5 गुनी ज़्यादा है, मतलब वो इसकी क्वालिटी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ज़्यादा उस पर डिपेंड करेगा, इसलिए इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि ये लोकल में ही कोई भी होगा आएगा परचेस करेगा। लेकिन आप जब शॉप में जाते हैं, आपको 2,500 का शूज़ बिकता है,
आप बहुत कम ही लेते होंगे जमीन, क्योंकि आप अगर रूम बनाकर जाते हैं 500 का तो आप 2500 का मतलब नहीं परचेस करेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है चेंज इन टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी का चेंजेस बहुत जरूरी है। पुराने टेक्नोलॉजी के साथ ज्यादातर कैरी नहीं कर पाते, जैसे कि ठीक है। अब हम लोग ले लेते हैं 8GB RAM 256GB का स्टोरेज, तो आप किसकी तरफ जाएंगे, इसकी तरफ। क्यों? क्योंकि आपको ये जो प्रोडक्शन है ये कम लगने लगा है। क्यों? क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का खेल है। टेक्नोलॉजी ये कहता है कि टेक्नोलॉजी जितना डेवलप होगा लोग उसी जितना ज्यादा खींचाएंगे। अब 8GB और 8GB का स्टोरेज के साथ आप यूज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको जब 8GB RAM और 128 या 128GB का आपको स्टोरेज मिलता है तो आप इसकी तरह ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ये अट्रैक्शन आपको टेक्नोलॉजी कर पाता है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए गोल ऑफ द फर्म। फर्म का एक गोल होता है, ठीक है। वो स्टार्टिंग में सोचता है कि मैं एक ऐसा प्रोडक्ट बनाऊं जो 1,00,000 लोगों को पसंद है। तो वो क्या करता है, 1,00,000 प्रोडक्शन तक अपने गोल को सेट करके उस हिसाब से प्रोडक्शन चालू कर देता है। और इसकी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, बहुत तेज हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है। वैसे ही कोई भी गोल सेट करने से क्या होता है कि फर्म क्या होता है, जनरली ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट की ओर चले जाता है। ज्यादा से ज्यादा वो प्रॉफिट के बारे में सोचता है। कभी भी आप अगर अपना दुकान लगाएंगे या कभी भी कुछ दुकानदार से मिलेंगे तो वो क्या चाहता होगा, मैक्सिमम अपना प्रॉफिट चाहता होगा, ठीक है। कभी भी वो लॉस पे जाना नहीं चाहता है। एक्सपेक्टेड चेंज इन प्राइस, अगर मान लीजिए आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये 10,000 की चीज आपको मिल जाए कोई चीज का प्राइस, ठीक है। ये थी प्राइस, वो आप जा रहे हैं, आप सोच रहे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये इतने में आपको मिल जाए। अगर एक मिल जाए तो आप क्या करेंगे, इस चीज को तुरंत परचेस कर लेंगे, क्योंकि आपको एक्सपेक्टेड प्राइस के अनुसार प्रोडक्ट को आपको जब मिल गया तो उसको मिलने से आपकी खुशी आपकी डबल हो गई, ठीक है। अब आते हैं नेचर फैक्टर। नेचर फैक्टर भी बहुत जरूरी है। कभी भी देखिए क्लाइमेट भी बहुत होता है, कभी सर्द के मौसम में, गर्मी के मौसम में, बरसात के मौसम में, हर मौसम में क्या होता है, वेदर में हर एक चेंजेस आता है। चेंजेस आने के कारण क्या होता है, प्रोडक्शन भी वीक और स्ट्रांग होता जाता है। जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट को जिस समय का हो उसका कैसे प्रोडक्शन चलेगा, तो प्रोडक्शन किसके आधार पर बेस पर डिपेंड करता है, वो किस तरह का बेस बैंक करता है, राइट। इसके बाद आते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। कोई प्रोडक्ट आपको मान लीजिए रेगुलर मिल रहा है, रेगुलर मिल रहा है राइस, ठीक है। अब राइस क्या होता है, आना कम हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन इसकी कम हो जाती है, तो आप इस पर डिपेंड हो जाएंगे वीट, ठीक है। वीट मतलब आप हिंदी में कह सकते हैं गेहूं, और गेहूं से क्या बनता है, आटा। और यहाँ राइस मतलब क्या हो गया, चावल। अब आप चावल से किस तरफ चलेगा, आटा की तरफ, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन आपको इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, आपको सप्लाई को। इसके बाद टैक्सेशन पॉलिसीज पे देखा, अगर टैक्स इतनी ज्यादा हो जाती है, मान लीजिए 50 रुपये KG का चावल है, इस पर टैक्स लग के ये 65 रुपये आपको मिलता है, तो आप क्या करते हैं, इस चीज को देना बंद कर देते हैं। क्योंकि अगर आपको मान लीजिए यहाँ उसके सप्लाई में सब्सटेंस में ये 45 रुपीज KG वीट मिल रहा है और वो 50 रुपीज में भी अगर मिलता है,
तो आप इस रेट को इस रेट के साथ मैनेज कर सकते थे, लेकिन जब वो 15 रुपीज इंक्रीज हो जाएगा तो आप उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद है एग्रीमेंट अमाउंट प्रोसीजर, तो वही चीजें एग्रीमेंट पे भी डिपेंड होती है, ठीक है, कि वो किस तरह के एग्रीमेंट को डिसाइड कर रहा है, किस तरह के एग्रीमेंट को वो बना रहा है, राइट। इसके बाद आते हैं हम लोग इंटरनल पीस एंड स्टेबिलिटी। अगर कोई भी चीज है स्टेबल है, बहुत लंबे समय तक चल रही है तो बहुत बेटर है, लेकिन अगर वो बीच से टूट जाती है, कंटिन्यूटी में नहीं रहती, तो आपके लिए बेसिक प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, सप्लाई की इलास्टिसिटी क्या है, मतलब आप डिमांड और सप्लाई को एक जैसा बनाकर चलें, मतलब 10 लोग हैं 10 कप टी पीते हैं, ठीक है। अब अगर आप 20 लोग आ जाएंगे तो आप कितनी कप की सप्लाई वहां पर होने लगेगी, 20 कप। लेकिन अगर आपको वहां पर 15 मिल जाए तो कम है। तो वही चीज है कि आपकी जो सप्लाई है वो हमेशा इलास्टिसिटी की तरह बनी होनी चाहिए, मतलब एक इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है, एक खिंचाव, खींचने के बाद दोनों तरफ बराबर खींचना चाहिए। अगर एक तरफ ज्यादा फोर्स होगा तो क्या होगा, टूट के अलग हो जाएगा। तो वैसे ही अगर ये सप्लाई अगर टाइम टू टाइम एक जैसा बेस पे ले रहा तो ये सप्लाई अलग हो जाएगी, राइट। अब इलास्टिसिटी के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि इलास्टिसिटी सप्लाई, सप्लाई में अगर आप इलास्टिसिटी बनाकर चलते हैं, मेंटेनेंस चलता है आपका, ठीक है, तो इलास्टिसिटी क्या है, कंटिन्यू आपका एक जैसा मेंटेनेंस करते चलेगा, ठीक है, एक जैसा तो वर्क करेगा। लेकिन अगर इलास्टिसिटी आपकी सही ढंग से नहीं रही तो क्या है कि आप प्रॉपरली किसी को कमोडिटी को परचेस नहीं करवा पाते, ना ही कमोडिटी को उसके सप्लाई और डिमांड के अनुसार जोड़ पाते हैं, तो कमोडिटी का भी वस्तु, ठीक है। तो ये इलास्टिसिटी पे आ जाता है। और इन इलास्टिसिटी मतलब मान लीजिए एक तरफ चल रहा है आपका काम, लेकिन दूसरे तरफ का काम बिल्कुल ठप है, आप डिमांड आई नहीं, आप सप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे, तो भी इन इलास्टिसिटी क्रिएट होने से क्या होता है कि आपके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो अगर लग बाई चांस चल गए तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर जीरो। इलास्टिसिटी यूनिट वाइज अगर वो सप्लाई तो बहुत अच्छा है, जितने लोगों को जरूरत है उतनी ही सप्लाई होनी चाहिए, जिससे क्या होता है प्राइस में जो सप्लाई होता है वो बढ़ता हुआ होता है। तो जितनी आपको यूनिट्स है उस हिसाब से अगर आप सप्लाई करेंगे तो आप परचेस करवा सकते हैं, और अगर यूनिट वाइज आप ना करके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट सप्लाई कर दिए तो भी आपका वेस्ट पेज है। परफेक्ट इलास्टिसिटी सप्लाई ये होता है कि जितनी डिमांड हो उतनी ही सप्लाई हो, जितनी डिमांड के साथ आप सप्लाई को चलाना चाहते हैं वैसे ही उसकी इन्फिनिटी को क्या करें आप चलाते रहिए, आप इक्वली अगर जितना डिमांड आ रहा है उतना सप्लाई कंटिन्यू चले तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, क्योंकि आपके सामने डिमांड है, आपके सामने 10 लोग हैं चाय पीने वाले, अगर आप लोग 10 लोगों को चाय कंटिन्यू पिला रहे हैं तो गलत है, लेकिन अगर 10 को चाय पिलाया वो गए फिर 10 आए फिर चाय पिलाया फिर गए फिर 10 आए, तो ऐसे करते करते क्या होगा वो चाय की क्वांटिटीज बढ़ते जाएगी इन्फिनिट तक जा सकती है, क्योंकि उनसे कोई डिसाइड नहीं कितने लोग आ रहे, तो आपके यहाँ चाय की सप्लाई आपको बेस है, ये एक आइडियल सप्लाई है, ठीक है। परफेक्ट इन इलास्टिसिटी सप्लाई, परफेक्ट इन इलास्टिसिटी मतलब आप प्राइस और क्वांटिटीज को मिला ही नहीं पा रहे, मान लीजिए प्राइस पहुंच गया 5 लाख या 10,000 या 50,000, लेकिन आपकी जो सप्लाईज है कमोडिटी है वो बहुत कम है, रेयर है, तो लोग क्या करेंगे उस चीज को परचेस करना बंद कर देंगे, ठीक है। अब आते हैं मेथड्स ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, तो क्या है मेथड्स इसको हम लोग पढ़ते हैं, तो परसेंटेज मेथड, तो परसेंटेज मेथड या प्रोपोर्शनल मेथड ये होता है कि कोई भी चीज को हम लोग परसेंटेज के आधार पे करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप किसी चीज को 100% आप उसका डिमांड है, ठीक है, और आप सप्लाई कर रहे हैं उसको 75% का, तो ये कितना हो जाएगा 100 में 75% 75% 100, तो आपको ये प्रोपोर्शनेट करना है कि ये 3/4 हो जाए, अगर काटेंगे आप उसको 25 3 75 25 4 100, मतलब 3/4 part, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शनेट होता है कि 3:4, मतलब आप 4 में से 3 लोगों तक
होगा उस चीज को सही ढंग से पहुंचा पाएंगे, राइट। तो ये है प्रोपोर्शनलिटी मेथड। अब आए पॉइंट मेथड या ज्योमेट्रिक मेथड। तो ज्योमेट्रिक मेथड ये होता है कि जो इसकी इलास्टिसिटी होती है वो कर्व क्या होता है सप्लाई की तरफ घूमता है। अगर सप्लाई अच्छी है तो कर्व भी ऊंचा जाएगा, और अगर मान लीजिए आपकी सप्लाई कम है डिमांड बहुत ज्यादा है तो कर्व नीचे की ओर आने लगता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका एक ज्योमेट्रिक मेथड जो आज के थ्रू ही आप समझ सकते हैं। अब आते हैं फैक्टर ऑफ इफेक्टिव इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पेज नंबर 106, ठीक है। इसमें फिगर दिया हुआ है ए बी सी करके, इसको आपको रीड करना है, ठीक। इसमें दिया हुआ है पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड। अब आते हैं फैक्टर ऑफ इफेक्टिव इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो नेचर की ऑफ कमोडिटी ये होनी चाहिए कि भैया जो आपका डबल कमोडिटी है वो इलास्टिसिटी क्या है सप्लाई के लिए बनी, ठीक है। क्योंकि क्या है कि ये स्टोर करते हैं अपने इंटैक्ट को, तो ये क्या करते हैं कमोडिटी इससे क्या होती है फेल होने लगती है। अगर मान लीजिए नेचुरली अगर आप उस चीज़ को सप्लाई नहीं कर पा रहे, प्रीफर नहीं कर पा रहे लोग, तो क्या होगा एक समय ऐसा आएगा कि उस चीज़ की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, उसकी सेल्स कम होने लगेगी। इमीडिएटली सेल्स उसकी बहुत कम होने के कारण क्या होगी कि जो इसकी इलास्टिसिटी है वो इन इलास्टिसिटी में बन जाएगी और इसकी जो सप्लाई है कॉमन नहीं रह पाएगी राइजिंग के लिए, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत फैक्टर अफेक्ट करता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, क्योंकि आप जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है बहुत सही होना चाहिए। अगर आप 10 का प्रोडक्ट को 20 का बना के बेचोगे तो आपके पास परचेस करने लायक कोई भी मैटर या कोई भी कमोडिटी नहीं परचेस करा पाएंगे आप, ठीक है। इसका टाइम बहुत जरूरी है कि इजिली आप ऐसा चीज को लीजिए जो बहुत जल्दी जल्दी इंक्रीज भी हो और लंबे समय तक चले। तो लंबे समय तक चलती है तो आज अगर नहीं बिकी तो कल नहीं बिकी तो परसों करके आपके पास इतना समय रहता है कि आप उस चीज को आराम से परचेस करवा सकते हैं। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन टेक्निक बहुत जरूरी है। न्यू टेक्नोलॉजी, फोन के बारे में मैंने बताया था, नई टेक्नोलॉजी ज्यादा अच्छी चलेगी पुरानी टेक्नोलॉजी से, ठीक है। रिस्क टेकिंग, अब आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा। कोई प्रोडक्ट आप बना रहे तो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर कंपनी है नया कंपनी आप नए ऑनर है तो आप कंपनी जो भी नया प्रोडक्ट बनाएंगे मार्केट से हटके बनाने की कोशिश करेंगे ताकि लोग को ज्यादा पसंद आए, तो इसमें एक आपका रिस्क होता है, ठीक है। और ये रिस्क आपके किस पे डिपेंड करता है, आपके वर्क पे कि किस तरह से आप उसको परचेस करा सकते हैं उसके प्रोडक्शंस को, ठीक है। प्रोडक्शंस तभी आप अच्छा करा पाएंगे जब उसकी डिमांड उतनी आप क्रिएट कर सके, अगर नहीं कर सके तो आपके लिए टोटल वो वेस्टेज है, ठीक है। तो ये चैप्टर 5 हमारा आज खत्म हो गया, सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सप्लाई। अगर आपको किसी को भी इसमें डाउट है तो आप क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर मुझे पर्सनली, ठीक है। और कॉपीज कंप्लीट करिए और प्रोजेक्ट सबमिट करिए, ठीक है। और हम लोग लाइव क्लासेस में जुड़ने की पूरी पूरी कोशिश करिए, क्योंकि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मंडे से आपका, जैसे हम लोगों ने पहले भी देखा है एक बार लाइव क्लास किया लेकिन आप लोग जुड़ नहीं पाए या जुड़े नहीं जिस किसी कारण मुश्किल हो, ले मंडे से कॉमनली। और आपका अटेंडेंस तभी काम होगा जब आप लाइव क्लास या इस वीडियोस के क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करेंगे। अगर नहीं करते तो सिर्फ ग्रुप में अगर आप प्रेजेंट या एबसेंट लिखेंगे तो आपका प्रेजेंट काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो स्टे होम, स्टे सेफ एंड गुड बाय स्टूडेंट्स।